एडीएक्स मर गया क्या जीवाई के? आरआईपी एडीएक्स। ए भाई कहाँ है, तुम्हारे वीडियो का वेट है। मर गया एडीएक्स भाई, जिंदा हो? पूरी कायनात को लगा था कि वो अब नहीं रहा, पर वो जिंदा है। पोकेमोन वर्ल्ड में गॉड्स उतने ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जितने तुम्हारे दिल में तुम्हारी क्रश है। पोकेमोन की दुनिया में हमें बहुत सारे गॉड्स पोकेमोन दिखाए गए हैं, पर आखिर उनमें से कौन है बेस्ट, ये सवाल तो आपके मन में होगा ही। इसलिए आज हम करने वाले हैं उन्हीं सभी गॉड्स पोकेमोन को रैंक। सो हेलो नमस्कार भाई और उनकी बहनों, मैं हूं आपका प्यारा एनिमे नवेंशनक्स इन शॉर्ट एडीएक्स। मैं आपके लिए उस समय यूनिक कंटेंट लाता रहता हूं। तो इससे पहले पिकाचू 440 वोल्ट के झटके मारे, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 11 मिसप्रेट। इसे गॉड ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। इसका काम है दुनिया में इमोशन की नदियां भर देना और इसी के कारण आज भी ब्रोक अकेला है। एनीवेज, ये पोकेमोन लेक वैरायटी पे पाया जाता है। मिसप्रेट एक साइकिक टाइप पिंक कलर का पोकेमोन है। इसे गॉड्स से ज़्यादा फेरी कहना भी ठीक होगा। और रही बात इसके स्टैट्स की, तो वो थोड़े वेल बैलेंस्ड और सरप्राइजली एवरेज साइड पे जाते हैं। ये नॉर्मली हाई स्पीड और हाई हेल्थ वाला पोकेमोन है और बाकी स्टैट्स काम चलाने जितने तो हैं। नंबर 10 कायोगर। सरप्राइजिंगली कायोगर उतना ताकतवर नहीं है जितना दिखता है। ये पोकेमोन रिस्पॉन्सिबल है ओशन बनवाने के लिए, जब मतलब बनाने के लिए भी कह सकते हो, और वैसे भी एक वाटर टाइप पोकेमोन ही है। ये दिखने में भले एक वेल पोकेमोन है जिसके फिंगर्स में फिंस लगे हैं, इसके पास एक कमाल की एबिलिटी है जिसका नाम है ड्रिजल, जो बैटलफील्ड पर बारिश करा सकते हैं, और बारिश कराएगी, पानी आएगा तो इसका काम बढ़िया। ये सबसे पहले हमें सफायर में देखने को मिला था। और रही बात इसके स्टैट्स की, तो इसका स्पेशल अटैक 150 और डिफेंस 140 है, और बाकी एचपी और अटैक ठीक ठाक है और काम चल जाता है। नंबर 9 ग्रोडोन। ये पोकेमोन लैंड बनाने के लिए जाना जाता है। वैसे तो ये ज्यादातर सोता रहता है, पर जब इसको जगाया जाता है तो ये कायोगर की नींद जरूर खराब करता है। ये अपनी एबिलिटी से आसपास मैग्मा इकट्ठा कर सकता है और ये दिखने में भी काफी अच्छा और एक ट्रोकी ड्रैगन तो दिखता ही है। और अगर गेम्स की बात करें तो एकदम माइंड ब्लोइंग ग्राउंड एंड फायर टाइप पोकेमोन है ये। और रही बात इसके सारे स्टैट्स की, तो ये सारे के सारे कायोगर की कॉपी है। बाकी जो भी हो, कहा जाए इसकी ताकत के सामने बाकी सारे फीके लगते हैं। नंबर 8 एजेल्फ। एजेल्फ इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी को बनाए रखने का काम करती है और इसकी एबिलिटी किसी भी ट्रेनर को एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंचा सकती है। दुनिया में बैलेंस बनाए रखने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। ये भी एक साइकिक पोकेमोन है मिसप्रिट की तरह, जिसे म्यू ने बनाया है, पर ये पिंक की जगह ब्लू कलर की है। इसके स्टैट्स इसे थोड़ा ग्लास कैनन बना देते हैं, मतलब चाइना वाला साहब है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। बाकी ये पोकेमोन अटैक और स्पेशल अटैक के लिए जाना जाता है, डिफेंस से उम्मीद मत रखना, पहले बता रहा हूँ। नंबर 7 युक्सी। इस पोकेमोन को पोकेमोन की दुनिया का टॉपर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने ही तो बनाई है पोकेमोन की दुनिया में नॉलेज। ये पोकेमोन हमेशा सोया रहता है और अगर ये जागेगा तो इसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। पर कमाल की बात तो ये है, इसकी ये जो सोने वाली भूलने वाली बीमारी है, यही इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है, जो इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है मुकाबलों में। वाह, ये भी लेक ट्रियो का पार्ट है जो म्यू द्वारा बनाया गया है। इस पोकेमोन बेसिकली अपने डिफेंस पे जाता है क्योंकि इसका डिफेंस काफी सॉलिड। नंबर 6 रेक्वाजा। ये एक कमाल का ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। इसे रूलर ऑफ द एयर भी कहा जाता है। इसका काम है अर्थ को प्रोटेक्ट करना एलियन और मीटियोराइट से। ये पोकेमोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है और इसमें ग्रोडोन और कायोगर के बीच हो रही प्यार भरी जंग को बड़े ही प्यार भरे तरीके से सुलझाया था। इसका सिग्नेचर एबिलिटी है एयर लॉग, जो इसे वेदर बनाए रखने या उसे चेंज करने में मदद करती है। इसे वेदर गॉड भी कहा जाता है। जैसे इसकी ताकत है, इसके सामने कोई भी आया तो उसका भर्ता बनना तय है। ये ऑब्वियसली अटैकर है और इसके डिफेंस पे मत जाओ, क्योंकि इसका अटैक ही ऐसी तैसी कर सकता है।
नंबर 5 पालकिया। ये सबसे कमजोर मेंबर है क्रिएशन ट्रियो का। इसे आर्कियस ने स्पेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ये एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन है और जैसे इसकी टाइपिंग है उतना ये कमाल का भी है। और ये अपनी एबिलिटी से किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मेन काम है यूनिवर्स को बैलेंस करना, पर जब बात लड़ने पे आ जाती है तो ये किसी से कम नहीं। ये पोकेमोन भी स्पेशल अटैकर है, और तो और इसका स्पेशल रेंड अटैक इतना कमाल का कि पूछो मत। नंबर 4 है डियाल्गा। ये है गॉड ऑफ टाइम, जैसे टाइम को संभालने वाला भी कह सकते हो, इतना तो चलेगा। ये अपनी एबिलिटी से पास्ट एंड फ्यूचर में जा सकता है। ये ड्रैगन जैसा दिखने वाला पोकेमोन स्टील एंड ड्रैगन टाइप है, और अगर इसकी ताकत की बात करें तो इसने पालकिया जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन की ऐसी तैसी कर दी थी। वो तो एंड मौके में हमारे बेचारे ऐश ने बचा लिया, नहीं तो पालकिया तो भैया गया था। और रही बात इसके स्टैट्स की, तो इसके स्टैट्स इसे स्ट्रॉन्ग स्पेशल अटैकर बनाते हैं, और कोई भी ऐसे पोकेमोन से पंगा नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि समय का राजा है, बजाता दूसरों का बाजा। नंबर 3 गिराटिना। ये सबसे ज्यादा ताकतवर गॉड पोकेमोन है क्रिएशन ट्रियो का, और इसे हम गॉड ऑफ डेविल भी कह सकते हैं। और इसीलिए पोकेमोन कंपनी वालों ने इसे गोस्ट टाइपिंग दी है, जो इसे और भी ज्यादा क्रीपी बनाती है। ये पोकेमोन की 6 लेग्स हैं, बैट विंग्स हैं और इंसेक्ट जैसा फेस है, और इसे डरावना बनाने के लिए क्या चाहिए। गिराटिना बनाया गया था एंटी मैटर को कंट्रोल करने के लिए आर्कियस द्वारा। वो तो आर्कियस को इसके काले कामों का पता लग गया तो उसको नीचे कहीं दफना दिया, बट पोकेमोन बढ़िया है। और जब इस पोकेमोन को गुस्सा आता है तो अपने फैंटम फोर्स से ये किसी को भी नहीं छोड़ता, भले सामने डियाल्गा आ जाए या प्यालका, ये पोकेमोन सबकी वाट लगा देता है। और ये बेसिकली हेल्थ और डिफेंस टाइप पोकेमोन है। नंबर 2 गुलाबी बिल्ली म्यू। ये पोकेमोन रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन ऑफ लाइफ के लिए। म्यू के डीएनए से बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे पोकेमोन ही क्रिएट हुए हैं। ये पोकेमोन किसी भी पोकेमोन में ट्रांसफर हो सकता है, और तो और ये किसी भी पोकेमोन के मूव सीख सकता है, और ये मेरे लिए बहुत काम का है। म्यू का न्यू जी मूव जेनेसिस सुपरनोवा ये साबित करता है कि इसी ने तो लाइफ जनरेट की थी, क्योंकि जेनेसिस का मीन होता है बिगिनिंग। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ताकत के बारे में बताने की कोई जरूरत है, क्योंकि किसी भी मूव और किसी भी पोकेमोन में बदलने की क्षमता बहुत कम पोकेमोन के पास ही होती है। नंबर 1 आर्कियस। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसे ताकतवर गॉड पोकेमोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे गॉड पोकेमोन को बनाए इसी ने, और हमें इसकी असली ताकत तो मूवी में देखने को मिली थी। वो तो इसके पास अपनी सारी पावर्स नहीं थी, तो नहीं तो आग लगा देता। ये एक मल्टी टाइप पोकेमोन है, और ये इंसानों जैसे बात भी कर सकता है, जैसे म्याउत करता है। और रही बात इसके स्टैट्स की, तो ये अपने स्टैट्स कभी भी बदल सकता है, कभी अटैक, कभी डिफेंस, कभी स्पेशल अटैक। सो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब कुछ कर देना, शेयर भी कर देना। और टाटा बाय बाय, नमस्कार, सलमान खान का बाय।